So, hi guys, today I'm going to share with you all I tried most hyped, most famous beauty products और ये worth buying होंगे या फिर नहीं होंगे वो तो आपको वीडियो के एंड में पता लग ही जाएगा, लेकिन ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना वो आपको एक ना एक बार तो कोई ना कोई यूट्यूबर ने आपको 100% रिकमेंड किए ही किए होंगे। सारे ही अफोर्डेबल रेंज में होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आपने इसका नाम तो जरूर से सुना होगा, राइट? सो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने रिकमेंड किया ही किया होगा। तो ये एक्चुअल में वर्थ बाइंग है या नहीं है, लाइक अफोर्डेबल रेंज में इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज का है। तो अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये आपको ना काफी ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी देता है, लाइक दिस काफी ज्यादा हाई कवरेज देता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, लाइक 199 के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो कवरेज है ना वो काफी ज्यादा, फिनिशिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें जो मेरा शेड है वो है सैंड सेबल 02। तो अगर आप कम रेंज में अच्छा कंसीलर चाहते हो जो जिसमें आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और 500 तक रुपीस खर्च भी नहीं करना चाहते हो, तो कम बजट में ना ये काफी ज्यादा बेस्ट कंसीलर है और वर्थ बाइंग है। ये जो इतना फेमस है ना तो एक्चुअल में ये बेस्ट है इस वजह से, तो आप इसको बाय डेफिनेटली कर सकते हो बिना सोचे समझे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे जो फेमस प्रोडक्ट है आपने 100% इसका एड तो बहुत बार देखा होगा, लाइक ये है हमारा पॉन्ड सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। यस, अब तो विंटर्स आ रहे हैं तो आपको इसका एड देखने के लिए बहुत ज्यादा भर भर के मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, इतना ज्यादा फेमस है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोज भी बनाई हुई है कि आपको ये बाय करना चाहिए, और बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था ये, बीच में बहुत ज्यादा हाइप हो गया था ये प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ये। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो है काफी ज्यादा जेल बेस्ड टाइप की, क्रीमी है, लाइक बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा लाइक पतली भी नहीं है, तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है कि मैं ऑलरेडी इसको फिनिश कर चुकी हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसमें थोड़े केमिकल्स भी है, लाइक इसमें फ्रेग्रेंस है, ठीक है? तो फ्रेग्रेंस इसमें काफी ज्यादा थोड़ी स्ट्रांग सी आती है, अगर आपको फ्रेग्रेंस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा लाइक आप नहीं बाय करो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो काफी ज्यादा मुझे बेस्ट लगा है। और इसके बारे में थोड़ा और जानना है ना आपको, तो मॉइस्चराइजर आपके लिए लाइक कौन सा सही रहेगा, ये विंटर सीजन चल रहा है तो मॉइस्चराइजर आपको लगाने की 100% नीड पड़ने वाली है, तो आपको कहीं नहीं जाना। यहाँ पर जो आई बटन पर वीडियो आ रही है ना, यहाँ पर ये वीडियो वॉच कर सकते हो, बेस्ट मॉइस्चराइजर आपके लिए कौन सा रहेगा इस विंटर में तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इतना ज्यादा फेमस किया गया था इसको उस टाइम पे मॉइस्चराइजर को, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, लाइक ओके ओके टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं बाय करना चाहिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चाहते हो, नॉन स्टिकी चाहते हो, देन डेफिनेटली यू शुड बाय दिस। और अगर आप चाहते हो कि फ्रेग्रेंस वगैरह से हमें प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ है तो उसमें आप थोड़ा इसको बाय करने से पहले सोचना एक बारी, तो ये आपकी चॉइस है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अफोर्डेबल रेंज में फेमस प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये है स्विस ब्यूटी का ये लाइक इल्यूमिनेटर। यस, इल्यूमिनेटर बेस आपको हमेशा, मतलब कोई ना कोई यूट्यूबर ने आपको रिकमेंड किया ही किया होगा। ये वाला जो फेस इल्यूमिनेटर है ना तो ये अफोर्डेबल रेंज में आता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है लाइक मैं दिखाती हूँ, इसमें दो शेड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरा जो है ये है यहाँ पर गोल्डन पिंक शेड, और ये शीन बहुत ज्यादा अच्छी देता है, लाइक दिस। जैसे ही लाइट पड़ती है ना लाइक आपके फेस के ऊपर, आप फेस के ऊपर लगाते हो तो एवरी डे के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा इल्यूमिनेटर है, बहुत अच्छा आपको सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है। मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद है, ये जितना हाइप क्रिएट करी गई थी लाइक इसकी, सारे यूट्यूबर्स जो हैं इसको रिकमेंड करते हैं, तो एवरीडे यूज के लिए ये बेस्ट है। मेरी तरफ से इसको 10/10 पॉइंट्स है। तो यहाँ पर एवरीडे के लिए आप ना इसमें जो शेड है गोल्डन पिंक उसी को ही बाय करना, आप सिल्वर पिंक वाले को बाय मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा चंकी टाइप का लगता है। तो यहाँ पर ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल प्राइस की बात करो तो 250 के अराउंड में आपको ये मिल जाता है, तो प्राइस भी आपको ज्यादा नहीं मिलता है, लाइक आपको अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है, तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर सेम स्विस ब्यूटी का ये इल्यूमिनेटर। यस, ये भी बेस इल्यूमिनेटर है, लाइक बेस के लिए है ये काफी ज्यादा, ठीक है, लाइक अच्छा है, मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे इसके बारे में नहीं पसंद है। लाइक फर्स्ट तो यहाँ पे है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर, तो एज अ बेस आप इसको लगा सकते हो, ब्राइटन स्किन, मॉडिफाई पोर्स, मॉइस्चराइजिंग एंड न्यूट्रिशियस, इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। बट इसकी जो पैकेजिंग है ना, लाइक दिस, ये पूरा का पूरा इसमें से प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है। वैसे तो पंप टाइप की पैकेजिंग में है बट फिर भी ये बहुत ज्यादा मैसी टाइप का हो जाता है, मुझे इसमें ये चीज इसकी अच्छी नहीं लगी। बाकी प्राइस की अगर बात करूँ तो ये 350 रुपीज तक का आपको मिल जाता है, सेल चलती रहती है तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ, लाइक इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं दिखाती हूँ,
यहाँ पर ये इस तरीके का आपको प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। अगर आप इसको ब्लेंड करते हो ना और प्राइमर के नीचे लगाते हो, इसमें थोड़ी ज़्यादा शीन आपको मिलती है लाइक दिस। यहाँ पर मैंने गोल्डन पिंक वाला लगाया था, यहाँ पर ये वाला देखो पर्ल वाला लगाया था, यहाँ पर ये वाला है बेस वाला। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गोल्डन इफेक्ट आपको देता है, लेकिन इसको आप एवरीडे में बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसको आप मेकअप के नीचे एज अ ग्लो प्रोवाइड करने के लिए लगा सकते हो, बेस इल्यूमिनेटर है दैट्स वाई। तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी अफोर्डेबल रेंज में, और जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको सजेस्ट भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो इसको पॉइंट्स देना चाहूंगी, तो यहाँ पर मेरे इसको पॉइंट्स है 9 out of 10। बिकॉज इसकी पैकेजिंग मुझे थोड़ी बेकार लगती है, ये पूरा ना यहाँ पे ऐसे लगता नहीं है, और लगता भी है कभी तो अंदर से पूरा मेसी टाइप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। बाकी ओवरऑल तो क्लासी पैकेजिंग है, बाहर से जो दिखती है ना बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है, लाइक हाई एंड प्रोडक्ट की तरह आपको ये लगता है। तो मेरे को तो ये इतना ही पसंद है, और अगर इन दोनों में से मुझे कोई सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो मैं तो दोनों ही करूँगी, क्योंकि दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं। ये एवरीडे के लिए अच्छा है, और ये आप अगर कोई पार्टी वेयर मेकअप कर रहे हो तो उसके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। मतलब बेस में ना आप अच्छे से इसको लगा सकते हो, और इतना ज्यादा लाइक चंकी टाइप का भी फेस के ऊपर नहीं लगता है। सो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है जो कि फेमस है, अगर आप स्किन केयर लवर हो ना तो डेफिनेटली आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा और लोगों को यूज भी करते हुए देखा होगा, वो है यहाँ पर ये बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। यस, यहाँ पर ये बायोटिक है तो 100% आयुर्वेदा तो है ही, साथ में ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। यस, अगर आप स्किन केयर लवर हो, आपने बिल्कुल से लाइक सुना भी होगा, शायद आप लोग यूज भी कर रहे हो इस मॉइस्चराइजर को। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, लाइक ओवरऑल मैं कितने पॉइंट्स देना चाहूंगी, तो यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको बताऊँ तो मॉइस्चराइजर तो काफी ज्यादा बेस्ट है, ये बॉटल टाइप की उसमें आता है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे इससे ना थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा भी निकल जाता है एकदम से, लाइक कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है इसकी, कि ये स्किन में ना अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होता है, लाइक लेट अब्सॉर्ब होता है, तो ये चीज थोड़ी बेकार लगती है। बाकी ओवरऑल ये भी आपको काफी अच्छी शाइन सी देता है, लाइक दिस शाइन तो बहुत ज्यादा अच्छी देता है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लो सा प्रोवाइड करता है। तो ये चीज तो मुझे इसकी अच्छी लगती है, लेकिन बस एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो कि ये अच्छे से ना अब्सॉर्ब नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ओवरऑल मैं इसको जो पॉइंट्स देना चाहूंगी वो 10 out of 9 पॉइंट्स देना चाहूंगी, जितना कि लोग रिकमेंड करते हैं कि ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब जल्दी से नहीं होता है। ये चीज मेरे को बड़ा बेकार लगती है कि एब्जॉर्ब, अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो ना तो एकदम से मॉइस्चराइजर लगाओगे उसके बाद आपको बहुत ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मल 1 से 2 मिनट तक आपको वेट करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये थोड़ा और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो जल्दी जल्दी में आप इसको नहीं लगा सकते हो, ये चीज बस इसकी बुरी लगती है। बाकी ओवरऑल तो बेस्ट है, तो आप बाय कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये अफोर्डेबल रेंज के मोस्ट फेमस प्रोडक्ट की लिस्ट अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट के साथ साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टाइल विद साहिबा, पास ही में बेल आइकन होगा उसको तो हिट जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये दोनों वीडियोज जो आ रही है ना ये वॉच कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी।